हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपने तीन बंध के बारे में सुना होगा, मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि ये तीनों बंध क्या काम करते हैं और कैसे लगाना चाहिए, तो ये वीडियो है आपके लिए। सबसे पहले हम आते हैं मूल बंध पे। देखिए फ्रेंड्स, मूल बंध कैसे लगाना है, जो आपका पेल्विक रीजन है उसको ऊपर की तरफ जब आप खींचते हैं तो वहाँ से लग जाता है मूल बंध। जब कभी हम चक्रा एक्टिवेशन करते हैं तो उसमें भी हम ये करते हैं कि जो बेस चक्रा है उसको नीचे से लॉक करने के लिए, ताकि हमारी एनर्जी पूरे स्पाइन में या सारे चक्रास में अप एंड डाउन हो, तो हम नीचे बेस चक्रा को लॉक करने के लिए भी मूल बंध लगाते हैं। उद्यान बंध जो होता है वो हमारे नेवल या पेट के आसपास यहाँ पर लगता है। इसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको लगा के बता रही हूँ कैसे लगाना है। इनहेल, एक्सहेल। अब एक्सहेल करने से पेट अंदर चला गया और अब इसको और अंदर खींच लिया आपने। ये देखिए, बिल्कुल अंदर खींच लिया अगर आपने, तो ये आपका लग गया उद्यान बंध। मतलब कि जो नेवल है आपकी, उसको पीछे पीठ की तरफ, आपका जो नेवल है उसको पीछे पीठ की तरफ पुश करेंगे आप, तो वो लग गया उद्यान बंध। मूल बंध और उद्यान बंध जब दोनों हम लगा लेते हैं, मूल बंध लगा लिया, उद्यान बंध लगा लिया, तो आप देखिए कि हमारी जो ब्रेथ है वो सिर्फ लंग्स तक जाएगी और बाहर आएगी, लंग्स तक जाएगी और बाहर आएगी। तो लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम ऐसे बहुत सारे आसन भी होते हैं जिसमें हम मूल बंध और उद्यान बंध लगा लेते हैं, और वहीं पर अगर हमको लंग्स को और स्ट्रॉन्ग करना है तो तीसरा बंध जो होता है वो हमारे गर्दन से लगता है, वो होता है जालंधर बंध। जब हम गर्दन को इस तरीके से लॉक कर लेते हैं तो जालंधर बंध लग गया। मतलब कि हमने इनहेल करा, सांसों को यहाँ पे रखा और ये बंध लगा लिया। अब क्या हुआ कि हमारा बेस जो है वहाँ से लॉक है, पेट जो है पीछे की तरफ खींच लिया, उद्यान बंध लग रखा है, तो यहाँ पे कोई भी एयर या ऑक्सीजन नहीं जाएगी। गर्दन लॉक हो गई, यहाँ से जो हमने ऑक्सीजन इनहेल करी है वो बाहर नहीं आएगी। अब यहाँ पे तीनों बंध मैं आपको एक साथ लगा कर बता रही हूँ, हाथों के इशारे से आप समझ जाएंगे कि कौन सा बंध लगाया है। इनहेल, तीनों बंद लगा के मैंने जो सांस ली उसको यहाँ पे होल्ड रखा। अब देखिए, पहले मूल बंद लगा, फिर उद्यान बंद लगा, फिर जालंधर बंद लगा, और खोलना भी आपको इसी तरीके से है। आपको बहुत स्मूथली, देखिए अगर मैंने इस तरीके से स्मूथली लिया है ऐसे, एकदम से झटके से नहीं खोलना है आपको कि आपने बहुत मुश्किल से रोक रखी है सांस और एकदम से फटाफट से छोड़ा और एक नेक्स्ट इनहेल स्टार्ट कर दिया। बहुत स्मूथली आपको जालंधर बंद खोलना है। जालंधर बंद खोलते ही आप और इनहेल कर पाएंगे, देन उसके बाद उड़ियान बंद और उसके बाद मूल बंद खोलना है। ये तीनों बंद आप जब एक साथ लगा लेते हैं तो वो हो जाता है महाबंद। इन सब बंद को हम योगा के बहुत सारे आसन में भी यूज़ कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में पता चलता रहेगा। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इन बंद को लगाने के, हमारे लंग्स के लिए, हमारे पेट के लिए, और हमारे पेल्विक रीजन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये बंद बहुत ज़्यादा काम आते हैं। यहाँ पे बस मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ, लाइक अगर हम सर्वांग आसन कर रहे हैं तो सर्वांग आसन में ऑटोमेटिक हमारा जालंधर बंद लग जाता है। तो इसी तरीके से आप बंद को लगा के योगा कीजिए तो आपको ज़्यादा फायदे होंगे। तो फ्रेंड्स, आगे आने वाली वीडियो में और ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आज आपको पता चल गया होगा कि ये तीनों बंद कौन से होते हैं और कैसे लगाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।